दोस्तों, दुनिया भर में हमने तरह तरह के विचित्र जीव जंतु देखे हैं, पर क्या आपने कभी विचित्र अंडे देखे हैं? अगर नहीं देखे तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि लास्ट में आप जिस जीव के अंडे देखोगे उसे देखकर आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस अंडे के फंडे को। नंबर एक, ग्रीन लेसविंग। ग्रीन लेसविंग हरे रंग की बग की प्रजाति होती है जो काफ़ी ज़्यादा अनोखी दिखती है, लेकिन इससे भी ज़्यादा अनोखे इसके अंडे दिखते हैं, जिन्हें देखना अपने आप में काफ़ी खुशकिस्मती की बात है। जी हाँ, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप इन्हें देखकर ये समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या चीज़ है। असल में ये जीव हरे पत्तों पर अपने अंडे देते हैं जो दिखने में कुछ इस तरह के होते हैं। जहाँ शुरुआत में तो इसके अंडे पूरी तरह सफ़ेद होते हैं, फिर धीरे धीरे करके इनका रंग हरा होना शुरू हो जाता है, जो दिखने में ऐसा लगता है जैसे किसी पौधे का हिस्सा हो। नंबर दो, रॉबिन्स एग। दोस्तों, जो पक्षी आप देख रहे हैं यह दिखने में बहुत ही सुंदर होता है, जिसके भूरे रंग के पंख, सफ़ेद पीठ और ऑरेंज कलर का मुंह होता है। इनके इन्हीं रंग बिरंगे होने की वजह से ये पक्षी काफ़ी ज़्यादा कलरफुल दिखाई देता है, और इन्हीं की वजह से इनके अंडे भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखाई देते हैं, जो पूरे नीले रंग के होते हैं, जहाँ ये बाकी छोटे पक्षियों के अंडों से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं। पर इनके अनोखे अंडों को देखने के लिए साल भर इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि ये पक्षी साल भर में सिर्फ एक बार ही अंडे देते हैं, वो भी हर साल सिर्फ 3 अंडे, और उससे ज़्यादा ये अंडे नहीं देते, जिन्हें हैच होने में लगभग 2 हफ्तों का वक्त लगता है। नंबर 3, टीना माऊ। क्या आपने कभी आज से पहले इस पक्षी को देखा है? इसे देखना तो दूर, बल्कि आपने तो इसका नाम भी पहले कभी नहीं सुना होगा, और इसके पीछे का कारण है इस पक्षी का बहुत ही ज़्यादा रेयर होना। ये पक्षी काफ़ी ज़्यादा शर्मीला होने की वजह से गोपनीय तरीके से रहना पसंद करता है, लेकिन अगर बात की जाए इनके अंडों की तो वो काफ़ी मुर्गी की अंडों से मेल खाते हैं। फ़र्क होता है तो सिर्फ इनके रंगों का। ये पक्षी काफ़ी अलग अलग रंगों के अंडे दिया करते हैं, जिसमें ब्लू, ग्रीन, येलो और यहाँ तक कि ब्लैक कलर के अंडे भी शामिल होते हैं, और बाकी पक्षियों से एकदम विपरीत इन पक्षियों में फीमेल अंडे देकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद मेल बर्ड के द्वारा इन अंडों की देखभाल की जाती है। नंबर 4, सी हॉर्स। अब जरूरी ही नहीं कि हमेशा मादा ही अंडों या फिर बच्चों को जन्म दे, कुदरत ने कुछ जीवों में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नर को भी दी है। अब जरा एक बार इस वीडियो को देखिए, ये कुछ और नहीं बल्कि एक नर सी हॉर्स है जो बच्चों को जन्म दे रहा है। वैसे तो सी हॉर्स अपने आप में ही कुदरत की एक अनोखी संरचना होती है, लेकिन इनके रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन की प्रक्रिया इनसे भी काफ़ी अनोखी है। दरअसल होता ये है कि एक नर सी हॉर्स एक पाउच के साथ पैदा होता है, और रिप्रोडक्शन के समय मादा सी हॉर्स नर के उस पाउच में 2000 के करीब अंडे देती है, जिसके बाद नर सी हॉर्स इन अंडों को अगले एक महीने तक संभाल कर रखता है, और उन अंडों को पूरी तरह डेवलप्ड हो जाने के बाद उन्हें यूं ही पानी में छोड़ दिया जाता है, जिसके कुछ ही घंटों बाद ये नर दोबारा से रिप्रोडक्शन की इस क्रिया को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाता है। नंबर 5, ऑक्टोपस। उन अंडों में से बच्चे बाहर ना निकल आए, और जैसे ही उन अंडों से बच्चे बाहर आते हैं मादा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आगे भी इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।